न्यूजीलैंड, ये पूरी दुनिया का दोस्तों एक ऐसा कमाल का देश है जो आपको हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होता हुआ नज़र आएगा, चाहे बात एजुकेशन की हो, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, तो चाहे दोस्तों ईमानदारी से भरे हुए लोगों की बात हो, सब कुछ आपको न्यूजीलैंड देश में देखने को मिल जाएगा। ये दोस्तों ओशनी में बसा हुआ बेहद ही खूबसूरत देश है, आप में से ज़्यादातर लोग इसे जानते होंगे, लेकिन आज भी ना इसे काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कंट्री के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन आज ना इस वीडियो में आपको न्यूजीलैंड में रहने के आपको सबसे बड़े फ़ायदे बताने वाला हूँ, और ये फ़ायदे आपको दुनिया के किसी और देश में रहकर बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों, जो सिर्फ न्यूजीलैंड में हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं न्यूजीलैंड में रहने के आपको सबसे बड़े प्रॉस के बारे में। वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग कमाल रहने वाली है, तो अभी से दोस्तों एंड तक बने रहना और कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न तैयार रखो। नंबर एक पर नाम आता है दोस्तों एजुकेशन लेवल का। न्यूजीलैंड आज के दिन यूके की तरह दोस्तों एजुकेशन के मामले में ना बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की कंट्री मानी जाती है। यहाँ पर आपको एजुकेशन के लिए दोस्तों गवर्नमेंट पूरी मदद भी करती है, और यहाँ की एजुकेशन आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ेगी यूनाइटेड स्टेट्स और कैनेडा जैसी कंट्रीज़ के मुकाबले। और आज के दिन न्यूजीलैंड का रुतबा एजुकेशन के मामले में बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। तो अगर आपके बच्चे या फिर आप खुद न्यूजीलैंड में रहोगे आने वाले फ्यूचर में, तो एजुकेशन तो आपकी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की होने ही वाली है। नंबर दो पर नाम आता है वेदर। वेदर एक ऐसी चीज़ है जो दोस्तों आपको ज़्यादातर डेवलप कंट्रीज़ में ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी तो देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो, या फिर नॉर्थ अमेरिका में बसी कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका या फिर कैनेडा का ही नाम क्यों ना ले लिया जाए। यहाँ पर दोस्तों तरक्की खूब है, लोगों का लाइफ स्टाइल कमाल है, लेकिन वेदर की प्रॉब्लम ना बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। यूरोप में तो कई ऐसे भी देश हैं जैसे कि फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, जहाँ पर आपको 3 से 4 महीने तक सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं होते दोस्तों सर्दियों के समय में, और ऐसे में ज़िंदगी काफ़ी बेहाल सी हो जाती है। लेकिन न्यूजीलैंड में ऐसा कभी नहीं होता, यहाँ का वेदर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ना ही तो दोस्तों यहाँ सर्दियों में एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है, तो ना ही गर्मियों में एक्सट्रीम लेवल की गर्मी। ज़्यादा ठंड के समय में भी दोस्तों न्यूजीलैंड का टेम्परेचर 5 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, तो वहीं गर्मी के सीज़न में यहाँ का टेम्परेचर 14 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। बिल्कुल सुहावना मौसम, ना ही ठंड फील होगी और ना ही गर्मी। हालांकि एक बात ज़रूर है जो न्यूजीलैंड में आपको बेहद ही अलग लगेगी, कि जब पूरी दुनिया में दोस्तों सर्दी होती है, यानी दिसंबर जनवरी में, उस समय न्यूजीलैंड में होती है गर्मी, तो जब दूसरी तरफ पूरी दुनिया में जून जुलाई में गर्मी होती है, उस समय न्यूजीलैंड में ठंड पड़ती है। ये भी ऐसे एक यूनिक बात है इस देश की। नंबर 3 पर नाम आता है क्राइम रेट का। क्राइम रेट के मामले में न्यूजीलैंड बहुत ही अच्छे से रैंक करती है। आज के दिन न्यूजीलैंड का कोई भी शहर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा जहां क्राइम होते हों। न्यूजीलैंड को दुनिया की दोस्तों सबसे ज़्यादा सेफेस्ट कंट्री में अक्सर काफ़ी ज़्यादा हाईली रैंक किया जाता है, और यहाँ पर ना ही तो कभी किसी वुमेन के साथ दोस्तों रात में गलत होता है, और ना ही दिन में। ज़्यादातर समय आप न्यूजीलैंड के हर कोने में बहुत ही ज़्यादा सेफ फील करेंगे। अगर दोस्तों दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज़ की रिपोर्ट को देखा जाए 2020 के अनुसार, तो न्यूजीलैंड की रैंकिंग थी नंबर 6 की। तो इससे समझ ही सकते हैं कितनी ज़्यादा सेफ कंट्री है न्यूजीलैंड ज़िंदगी जीने के लिए। नंबर 4 पर नाम आता है दोस्तों करप्शन का। करप्शन आज के दिन दुनिया के डेवलप देशों में भी ना दोस्तों धीरे धीरे बढ़ रही है। यूरोप में भी कई देशों में अब आपको करप्शन की समस्या थोड़ी तो देखने को मिल जाएगी, तो एशियन कंट्रीज़ तो दोस्तों बड़ी पड़ी हैं करप्शन से, लेकिन न्यूजीलैंड में करप्शन हो जाए कभी, ये तो बहुत बड़ा चमत्कार ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों करप्शन बिल्कुल नहीं होती। लेटेस्ट करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के अनुसार न्यूजीलैंड का स्कोर है दोस्तों 88, और ये 2020 की आखिरी रिपोर्ट है, और इसकी रैंकिंग पूरे वर्ल्ड में आती है नंबर 1 की। ये बहुत ही बड़ी बात है कि पूरी दुनिया का आपको सबसे ज़्यादा दोस्तों ईमानदार देश आज के दिन न्यूजीलैंड ही देखने को मिलने वाला है, और इससे ज़्यादा ईमानदार देश पूरी दुनिया में इस समय प्रेजेंट समय में तो रहने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो ईमानदार अगर आपको लोग पसंद है, ईमानदारी में जीना चाहते हैं ज़िंदगी, तो न्यूजीलैंड डेफिनेटली आपकी दोस्तों फर्स्ट चॉइस बनना चाहिए। नंबर 5 पर नाम आता है लॉयल पीपल।
आज के दिन दोस्तों अगर दुनिया के ज़्यादातर देशों में बात करें तो ईमानदार लोगों की कमी काफ़ी ज़्यादा होती है, अच्छे दिल के लोगों की और हेल्पफुल लोगों की कमी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। लेकिन न्यूजीलैंड में आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि लोग आपके पास अच्छे नहीं हैं, बल्कि न्यूजीलैंड के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर रेसिज्म भी यही वजह काफ़ी कम लेवल का देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड के ज़्यादातर लोग बेहद ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं और सबसे खास बात ये लोग बेहद ही ज़्यादा अच्छे दिल के और सॉफ्ट हार्टेड पीपल माने जाते हैं और इनकी लॉयल्टी किसी का भी दिल चुरा सकती है। तो ऐसे देश में रहना सही में बेहद ही कमाल का होगा जहाँ के लोग बहुत ही अच्छे हैं। नंबर 6 पर नाम आता है हाई क्वालिटी हेल्थ केयर। हेल्थ केयर एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया के हर इंसान के लिए दोस्तों फर्स्ट प्रेफरेंस बनी होती है। न्यूजीलैंड में भी दोस्तों आज के रेजिडेंट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी हेल्थ केयर चलाई जाती है, जिसके चलते लोगों का फ्री में इलाज होता है, चाहे बड़ी से बड़ी सर्जरी ही क्यों ना हो। यानी लोगों को बिल्कुल ही टेंशन नहीं होती कि अगर उनकी हेल्थ बिगड़ जाए तो करोड़ों का खर्चा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों करोड़ों रुपए सरकार ही लोगों की हेल्थ के ऊपर खर्च करती है। ये बहुत ही बड़ा टॉप नॉच लेवल का फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा न्यूजीलैंड देश में रहते हुए। नंबर 7 पर नाम आता है दोस्तों वाइन का। वाइन के मामले में न्यूजीलैंड का रुतबा ना पूरी दुनिया में अव्वल दर्जे का है। यहाँ पर आपको हज़ार से भी ज़्यादा वैराइटीज़ की वाइन चखने को मिल जाएगी, क्योंकि दोस्तों अंगूर न्यूजीलैंड में बेहद ही ज़्यादा होते हैं, तो वाइन यहाँ बहुत ही ज़्यादा टाइप्स की बनाई जाती है। दुनिया की सबसे महंगी से महंगी वाइन्स आपको न्यूजीलैंड से ही आती हुई नज़र आएंगी। और आज के दिन पूरी दुनिया के तकरीबन 192 देशों के लोग न्यूजीलैंड की वाइन को पीना बेहद ही पसंद करते हैं। और यहाँ पर तो दोस्तों वाइन की एक बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल से ब्रांड की कंपनी का प्राइस ही दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 10,000 से लेकर 15,000 रुपये तक, और यहाँ पर 1,00,000 रुपये की वाइन की बॉटल भी आपको पीने को मिल जाएगी। तो अगर वाइन आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस बन सकती है तो दोस्तों न्यूजीलैंड आपके लिए बेटर कंट्री है। हालांकि ये पर्सनल प्रेफरेंस है कि उन्हें ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना है या फिर नहीं, लेकिन नॉन अल्कोहलिक वाइन भी दोस्तों अच्छी चॉइस डेफिनेटली बन सकती है। नंबर 8 पर नाम आता है रिलैक्स्ड लिविंग। आज के दिन न्यूजीलैंड को दोस्तों दुनिया की सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड कंट्री माना जाता है, क्योंकि तकरीबन यहाँ पर आपको ज़्यादातर एरिया ऐसा देखने को मिलेगा जो पूरी तरह से नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा है, और ज़्यादातर एरिया आज तक भी यहाँ का पूरी तरह से अनटच्ड है। साथ ही दोस्तों इतना ज़्यादा रिलैक्स जीवन यहाँ इसलिए भी लोग जी पाते हैं क्योंकि काम की हेडेक यहाँ बेहद ही ज़्यादा कम होती है, और यहाँ पर लोग पैसे को कम तवज्जो देते हैं और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा। सीधा सीधा कहूँ तो दोस्तों यहाँ के लोग ना अपनी ज़िंदगी बेचकर, अपना टाइम बेचकर पैसा कमाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, और यही वजह है कि आज के दिन यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। इस देश में वैसे बसने का ना मज़ा बहुत आएगा। न्यूजीलैंड आपको वैसे कैसा देश लगता है? क्या सही में आप यहाँ बसना चाहते हैं? कमेंट में बताइएगा। ऐसी वीडियोज़ आपके लिए दोस्तों हमें डेली लानी है, तो अभी चैनल अपना सब्सक्राइब करो।